अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ ईद स्पेशल नवाबी सवैयाँ। तो सबसे पहले हम इसको क्रश कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इनको अच्छा सा क्रश कर लेंगे, चूर लेंगे। ये देखिए, ये क्रश कर ली है मैंने। इस तरह से होनी चाहिए। आप देखें, ये मैंने एक कप जो है चीनी ली है, ये मैंने एक कप ही नारियल का चूरा लिया है, एक कप बादाम, एक कप पिस्ता। इसमें कलर डालेंगे, ज़ाफ़रानी कलर, ज़ाफ़रान। ये 100 ml मैंने घी लिया है। इसको मेल्ट होने का इंतज़ार करूँगी मैं। ये मेल्ट हो गया है, अब हम इसमें अपनी सवैयाँ डालेंगे। सवैयों को हमने बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा रोस्ट करना है कि इसका कच्चापन दूर हो जाए और इसमें खुशबू आने लगे। हाफ टी स्पून है। अब मैं स्टोव बंद कर दिया है और स्टोव बंद करने के बाद ही आपने इसमें शुगर ऐड करनी है। साथ भी ये, क्योंकि इलेक्ट्रिक स्टोव है मेरा, तो इसमें प्लेट हॉट रहती है, तो इसी में ही चीनी आपका जितना हमें चीनी को मेल्ट करना है वो हो जाएगी। इसी आप ज़ैफ़रॉन भी डाल सकते हैं, मैं फूड कलर यूज़ कर रही हूँ। ये ज़ैफ़रॉन है। बस मैंने ये 2 pinch डाली है। हमने इस तरीके से जिस बर्तन में बनानी है और आपने इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देना है कि ये बिल्कुल अच्छी सी सेट हो जाए। चमचे की मदद से, गिलास होते हैं स्टील के, उनकी मदद से किसी भी चीज़ से भी इसको इस तरीके से सेट कर सकते हैं। तो मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ और फिर इसके आगे का काम करती हूँ। 1/4 कप बची थी मेरे पास, तो ये हम इसको मेल्ट करेंगे पहले। ये मैं 1 liter फुल फैट मिल्क ले रही हूँ। ये जो कैरमल बनाकर आप चीनी का डालेंगे तो इससे इसमें बहुत सौंधापन आएगा और बहुत ही मज़े का फ्लेवर डेवलप होगा। और ये मैंने कस्टर्ड पाउडर जो लिया है वो 1/2 कप से थोड़ा कम लिया है, 1/4 कप लिया है। ये मैंने 1/4 कप कस्टर्ड पाउडर लिया है। अब हम इसको घोल कर, और फिर हम, ये मैंने 4 tablespoon कस्टर्ड पाउडर लिया है और इसको मैंने घोल लिया है और मैं अब इसमें डालने लगी हूँ। आपने ये ख्याल करना है कि आपने डालते वक्त चमचा चलाते रहने, वरना इसमें लम्स आ जाएंगे। ये मैंने नारियल का चूरा डाल दिया। मैंने ये वेनिला फ्लेवर की क्रीम ली है और ये मैंने वेनिला ही फ्लेवर का कस्टर्ड लिया है। ये मैंने 2.5 liter ये आप देख सकते हैं, ये दोनों तरफ से चमचा कोट कर रहा है मेरा। इस तरह की आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। यहाँ रहा चमचा कोट हो रहा है और ये बिल्कुल रेडी है। अब मैं अपना कस्टर्ड अपनी नवाबी सवैयों पे पोर करने लगी हूँ। इस तरीके से आपने पोर करना है, स्लोली ग्रेजुअली, और आपने अच्छी सी मोटी सी थिक लेयर बनानी है। इसमें मैं ज़ाफ़रान मिलाने लगी हूँ। इसका कलर बहुत अच्छा सा आएगा और ये बहुत अच्छा लुक देगा। ये आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने गार्निश के लिए, ऊपर से छिड़कने के लिए, गार्निशिंग के लिए तैयार कर लिए पिस्ता और बादाम। गार्निशिंग की सवैयों में मैंने जो है वो
3 टेबल स्पून भर के मिलाया है नारियल पाउडर, तो अब हम इसको अपनी गार्निशिंग की इसमें मिला देंगे। और ये हमारे पिस्ते, बहुत प्यार से आपने गार्निश की लेयर डालनी है कि आपका कस्टर्ड बिल्कुल भी टूटे नहीं और गार्निश की लेयर आपके कस्टर्ड के अंदर ना चले जाए। ये 1 कप चीनी है, 1 कप चीनी से हम कैरेमल बना लेंगे। ये हमारा कैरेमल बिल्कुल रेडी है और अब हम इसको गरम गरम ही जो है गार्निश करेंगे, इसकी गार्निशिंग बनाएंगे। तो हमने इतना स्टोव बंद कर लिया। आप इस तरीके से डालेंगे और ये कप की शेप्स बन जाएगा। अब हम गार्निश के लिए क्रीम व्हिप कर रहे हैं। बहुत ही इजीली ये निकल जाएंगे आपके इस तरीके से। ये देखिए, पहले आप इसमें थोड़ा सा अपना सेवैया डालेंगे इस तरीके से। कस्टर्ड डालेंगे और ऊपर से क्रीम से सर्व करेंगे जो हमने व्हिप की है क्रीम। ये देखिए, आप थोड़ा सा इन पे ज़ाफ़रान छिड़क दें और बहुत ही खूबसूरत लगती हैं ये। नवाबी सेवैयों को 3 से 4 घंटे गुजर चुके हैं और अब मैं इसको आपको सर्व करके दिखाती हूँ कि ये कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह से बनी है। आप इनका लुक देख सकते हैं। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलूंगी एक और अच्छी वीडियो के साथ। जब तक अपना अल्लाह अपना और अपने गिरदोनवा का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। फिर मिलूंगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।